नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ का जो कि बिहार 2020 में पूछा गया प्रश्न है सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस और साइंस दोनों का विषय का आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में किसी भी वर्ष पूछा जा सकता है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों की जो हम लोग टूथपेस्ट करते हैं, दांत घसते हैं टूथपेस्ट, वो टूथपेस्ट का नेचर क्या होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन, क्या होता है आखिर? बच्चों जो टूथपेस्ट होता है, ये प्रश्न पूछा गया था 20 में, ठीक है, वो क्षारीय होता है। टूथपेस्ट ना क्षारीय होता है, ध्यान रखना, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न पूछा गया था। टूथपेस्ट क्या होता है? क्षारीय। अगला क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति कारण पौधों का रंग हरा होता है? आपको पता ही होगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण पौधा क्या होते हैं? हरे होते हैं। और खून लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ये दोनों प्रश्न अक्सर एग्जाम में एक साथ ही पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? बच्चों पौधों में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो होता है गोंद, रेजिन, टैनिन, तीनों चीज होते हैं, तीनों, गोंद, रेजिन और टैनिन तीनों होता है। ठीक है, क्या होगा इनमें सभी? ये सब तीनों ना उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ होता है जो जिसका कोई यूज नहीं रहा, जो निकल जाएगा। देखते होंगे कि पौधा पे गोंद चिपका रहता है बाहर से, रेजिन, ठीक है, टैनिन, ये सभी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चों, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या क्या कहलाती है? बताइए तंत्रिका तंत्र की जो रचनात्मक क्रियात्मक क्या होती है? न्यूरॉन, क्या होती है? न्यूरॉन होती है। इसको ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं यहाँ पर तीन प्रश्न आपको बताता हूँ। सबसे पहला कि यही प्रश्न कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या कहते हैं? कहते हैं न्यूरॉन। दूसरा प्रश्न, शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका। अगर प्रश्न पूछे, ध्यान समझे बच्चों, अगर पूछे प्रश्न कि शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, तो बोलना कोशिका, कोशिका, ठीक है। अगर प्रश्न पूछे तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, न्यूरॉन। अगर प्रश्न पूछे कि एक प्रश्न और है, किडनी, किडनी जानती हो ना, वृक्क, वृक्क जो उत्सर्जी पदार्थ को निकालता है, किडनी उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड होता है, तो उसका उत्सर्जी पदार्थ होता है नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन। ये होता है किडनी में, किसमें? किडनी में होता है वृक्क, वृक्क, ठीक है। तो बच्चों, और ये न्यूरॉन किसमें होता है? तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र में। और कोशिका किसमें होता है? शरीर का। कोशिका किसका होता है? शरीर का जो हमारा बॉडी होता है। ये तीनों प्रश्न याद कर लो बच्चों, आप लोग अभी याद कर लीजिए। देखो शरीर जो हमारा बॉडी है, इसमें जिसमें 65% जल होता है, ये भी ध्यान, शरीर में कितना परसेंट जल होता है? 65%। ये भी सवाल कई बार, ये भी सवाल पूछा हुआ है, शरीर में कितना परसेंट होता है? 65%। शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई मतलब होता है जिससे मिलके बना होता है। हमारे शरीर किससे मिलके बना होता है? कोशिकाओं से मिलके बना होता है, सेल से मिलके बना होता है, ठीक है, कोशिका। तंत्रिका तंत्र जो हमारा नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है बच्चों, उसकी रचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। और किडनी जिसे कहते हैं वृक्क, और इसकी रचनात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। ये तीनों प्रश्न सुपर प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बच्चों बात करते हैं। टिहरी बांध कहाँ है? टिहरी बांध पता होगा उत्तराखंड में है। टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में। ये बात आपको ध्यान रखना है, टेहरी बांध ये प्रश्न पूछा था, टेहरी बांध है उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा कारण पूछा था, अम्ल वर्षा क्या कारण होता है? बच्चों आपको पता होना चाहिए SO2 और NO2, जो SO2 होता है और NO2 होता है वो अम्ल वर्षा का कारण होता है। SO2 बोले तो सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 बोले तो नाइट्रस ऑक्साइड। ये ना बच्चों, ये दोनों SO2 और NO2 अम्ल वर्षा कारण होता है। बोलोगे सर अम्ल वर्षा क्या होता है, हमें बताइए? बताते हैं, बता, ध्यान समझो बच्चों, अम्ल वर्षा जो होती है वो ऊपर से एसिड, जानते हो ना एसिड जो चमड़ा पड़ता, चमड़ा खराब कर देता है, वो ऊपर से अम्ल की वर्षा होती है, अम्ल की वर्षा होती है, उसे ही कहते हैं अम्ल वर्षा। ये जब होती है ना तो पेड़ पौधा पे पड़ता है, पेड़ पौधा खत्म, पेड़ पौधा जर जाता है, खत्म हो जाएगा, वनस्पति को खत्म कर देता है, प्लांट को खत्म करता है, ट्री को खत्म कर देता है अम्ल वर्षा, ठीक है।
और ये जो ताजमहल है आगरा में उस पर अम्ल वर्षा का प्रभाव हुआ है कि अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल का रंग उड़ना शुरू हो गया है, रंग उड़ना शुरू हो गया है, ठीक है, वो अम्ल वर्षा के कारण ही होता है, समझ गए। जिसे इंग्लिश बोलते हैं एसिड रेन, और एसिड रेन का कारण होता है SO2 और NO2, क्लियर हो गया आपको, सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए अगला, स्विच लगाया जाता है, स्विच लगाया जाता है गर्म तार में, जो देखो बच्चों दो तरह के, तीन तरह के तार होते हैं, मैं अब यहाँ पे आपको कुछ बता दूं, ध्यान समझिए बच्चों, तीन तरह के तार होते हैं, देखिए दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर शॉर्टकट में लिख दिया, देखिए तीन तरह के मुख्य रूप से तार होते हैं, बिजली के तार तीन को होता है, एक उदासीन तार, गर्म तार, भूसंपर्कित तार। अब मैं आप तीनों को थोड़ा बताता हूँ, ध्यान समझिए, उदासीन तार में करंट नहीं होता है, नो करंट, इसमें कोई करंट नहीं होती, इसमें कोई धारा करंट नहीं होती, इसमें बिजली नहीं रहती है, और इसका रंग पूछ लिया था कभी कभी तो काला ब्लैक रंग का होता है, ब्लैक रंग, ठीक है। एक होता है गर्म तार, इसको छुओगे सट जाओगे, सीधे झटका मार देगा, करंट मार देगा, ठीक है, हाँ गर्म तार में करंट मार देगा, और इसीलिए इसको लाल से खतरा, लाल क्या होता है, खतरा का निशान, जानते हो कि लाल जो होता है खतरा होता है, तो इसलिए इसे लाल का कलर दिया गया है, इसे कहते हैं विद्युन्मय तार। अब बोलोगे सर विद्युन्मय तार क्या होता है, देखो विद्युन्मय तार वैसा तार होता है बच्चों जिसमें करंट होती है, भयंकर करंट होती है, इसमें छुओगे खत्म। और भूसंपर्कित तार, ये जो अर्थिंग जो होता है ना, आप लोग देखते होंगे कि अर्थिंग में एक रॉड रहता है, उसमें तार लपेट दिया जाता है और उसको फिर ले जाया जाता है, तो अर्थिंग का तार जो होता है भूसंपर्कित तार होता है बालक, क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट, क्लियर हुआ। तो बच्चों भूसंपर्कित तार जो होती है वो होती है अर्थिंग वायर, इसका रंग होता है हरा, हरा क्या होता है हरा। तो तीन गो तार हो गया, तीनों का अर्थ वो समझ गए और तीनों का रंग समझ गए, रंग भी पूछ लेता है आपको ध्यान रखना। और स्विच और फ्यूज जो होती है, और स्विच होता है वो गर्म तार जो होते हैं, फ्यूज और स्विच, जो फ्यूज होता है, फ्यूज और स्विच, और स्विच जो होता है, ये दोनों चीज ना आपको गर्म से ज्यादा जोड़ा जाता है, क्योंकि गर्म से ज्यादा आता है जिसका रंग लाल होता है, क्योंकि जब क्लिक करेंगे, जब मतलब नीचे करेंगे तभी तो गर्म तार संपर्क होगा, तभी तो जलेगा, इसीलिए तो फ्यूज और ये स्विच जानते होंगे कि गर्म तार में दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बच्चों बात करते हैं, थोड़ा देखिए अगला क्वेश्चन की ओर, हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है बच्चों, हाइड्रा में मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, हाइड्रा जो होती है ना उसमें माथा नहीं होता, मस्तिष्क नहीं होता है, इसका आंसर होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन, एमीटर क्या चीज नापता है, एमीटर नापता है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का माप जो होता है बच्चों वो एमीटर करती है। मैं आप कुछ तीन प्रश्न बता दूं, ये चश्मा है, चश्मा में है लेंस, तो लेंस की क्षमता का मतलब डायोप्टर क्या होती है, डायोप्टर को हम लोग मीटर पर सेकेंड, m to the power minus 1 से होती है, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वन बाय एम, लेंस की क्षमता का मतलब डायोप्टर या m to the power minus 1। एक साल क्या हुआ था बच्चे, डायोप्टर याद गए थे और ये याद ही नहीं किया कि डायोप्टर होता है मीटर में, और वहां पे ऑप्शन आ गया मीटर और बच्चे गलत करके आ गए, आपको गलत नहीं करना है, m to the power minus 1, और m to the power minus 1 को लिख सकते हैं 1 by m। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों हम लोग बात करते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान समझिए, तो आवेश का मतलब होता है कूलम, पता ही होगा आवेश का मतलब क्या होता है कूलम, विद्युत शक्ति का मतलब होता है वाट। आप देखते होंगे बल्ब लिखा होता है 20 वाट, 30 वाट, 40 वाट, 50 वाट, 100 वाट, 200, जो भी लिखा हो वो क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है कि इसमें कितना पावर है, कितना वाट है, समझे, इसमें कितनी शक्ति है, कितनी शक्ति है, वाट यह दर्शाती है कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो हुआ उसमें कितनी शक्ति का है, कितनी उसकी पावर है। और एक क्वेश्चन बल्ब से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बल्ब का जो टंगस्टन होता है किसका बना होता है, बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है किसका बना होता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना, टंगस्टन एक धातु होती है ना जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, 3380 क्वेश्चन पूछ दे, 3380 टंगस्टन का बना होता है फिलामेंट तंतु बल्ब में, ठीक है, तो 3380 होता है और ये बहुत ही
समझ गए बात, तो आप लोग समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे ध्यान समझे, सूर्य में क्या होता है? नाभ के संलयन, संलयन सूर्य में संलयन होता है और सूर्य ऊर्जा का पिता होता है। यह ध्यान, जितना भी एनर्जी है, जितना भी ऊर्जा है, सबका एक ही मात्र सोर्स है सूर्य, सन। ठीक है, चलिए दर्पण सूत्र पूछ दिया, आपको पता ही होगा, 1/v + 1/u = 1/f। लेंस सूत्र जानते हैं, 1/v - 1/u = 1/f। चलिए इसे आपको ध्यान रखना। चलिए ये क्वेश्चन पूछा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल, अवतल, अवतल लेंस और दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, ये भी आपको प्रश्न दिमाग में बैठाना है। और एक और है, और है एक जरा दृष्टि दोष, बायफोकल, बायफोकल जरा दृष्टि दोष होता है, वो होता बायफोकल लेंस। क्या होता है? बायफोकल। ठीक है, और एक होता अबिंदुकता, वो होता है बेलनाकार लेंस। क्या होती है? बेलनाकार लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों फटाफट बात करते हैं, बैटरी से कैसे धारा प्राप्त होते हैं? डीसी, डीसी करंट कैसे होती है? डीसी। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट बताना है, ग्लूकोज का फॉर्मूला, फॉर्मूला तो याद कर लेना, एक पूरा फॉर्मूला का एक चार्ट बनाना, ग्लूकोज, चीनी, नीला छोटा तुतिया, बेंजीन। ठीक है, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज का। चीनी का C12H2O11, चीनी का होता है C12H2O11, ये होता है चीनी का, ये होता है चीनी का। बेंजीन का C6H6, बेंजीन का C6H6। ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्न है। नीला होता तो क्या, CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O, देखो CuSO4.5H2O, नीला थोता तूतिया, नीला थोता तूतिया का सूत्र होता है। ठीक है, CuSO4.5H2O। तो ये सब छोटे मोटे प्रश्न है आपको। फिर परमाणु संख्या पूछ देता है, सोडियम का पूछा था 11 होता है, एल्युमिनियम का पूछा था पिछले साल 13 होता है, मुझे पता है बहुत सारा प्रश्न एग्जाम से ये आता है। चलिए अगला क्वेश्चन, टूथपेस्ट कैसा होता बता दिए, छारिये। ठीक है, ग्रेफाइट पूछा था क्या होता है, ग्रेफाइट सुचालक होता है, ग्रेफाइट वही जो पेंसिल कनोकी में जो होता है, वो क्या होता है? सुचालक। ये एक अधातु है बच्चों, ये एक अधातु है, अधातु होते हुए भी यह विद्युत का सुचालक है, कंडक्टर है, इसे करंट फ्लो करती है। चलिए फिर ये प्रश्न सब एल्डिहाइड और ये सब मैं आपको बता दूं, देखो एल्डिहाइड का होता है CHO, एल्डिहाइड का CHO, और कार्बोसिलिक अम्ल का COOH, और अल्कोहल का OH, और कीटोन का CO, कीटोन का CO। चलिए टेहरी बांध का है? उत्तराखंड। ये प्रश्न मैंने बता दिया। चलिए फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम बच्चा जो फ्लोएम जो होता है ना, वो भोजन पहुंचाने में मदद करता है, और फ्लोएम सुक्रोज के रूप में जमा होता है। किसके रूप में? सुक्रोज। ध्यान रखना, किसके रूप में बालक? सुक्रोज, सुक्रोज, यार ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपको यहाँ पर रोकता हूँ। देखिए बच्चों, दो चीजें मुख्य रूप से आपको पौधा में पाया जाता, दो तक मुख्य रूप से पाला, जाइलम, दूसरा फ्लोएम। जाइलम का, जाइलम का कार्य जल पहुंचाना होता है, जल जो वाटर होती है वो पहुंच, जल और खनिज, जल और खनिज पहुंचाता है कौन? जाइलम, जाइलम। ठीक है, जाइलम। और फ्लोएम जो होता है बच्चों, फ्लोएम वो भोजन पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? भोजन, फूड, फूड मतलब भोजन। और यह सुक्रोज के रूप में जमा होता है, किसके रूप में? सुक्रोज, 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 यानी देखते हैं सुक्रोज, सुक्रोज, सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज, जो 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 सुक्रोज। ठीक है, तो फ्लोएम फूड भोजन, और जल जाइलम और खनिज, जाइलम का होता है जल और खनिज। चलिए ये इतना प्रश्न आपको ध्यान रखना, ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा है कि पौधों के, पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, पता आपको पता होगा बच्चों कि पौधा का पत्ता में होता है रंध्र, स्टोमाटा। क्या होती है? स्टोमाटा, उसके माध्यम से गैस जाता है, आता है, जाता है, आता है, जाता है, आता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, समझ गए ना, स्टोमाटा। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जो रंध्र को कौन सा घेरा होता है, वो होता है रक्षी कोशिका। रंध्र होता है ना बच्चों, रंध्र पौधा के पत्ती में क्या होता है? रंध्र। देखिए बच्चों, आपके लिए पौधा का पत्ता आ गया। देखिए ये पौधा का पत्ता है, देख सकते हैं जैसा कि मेरे हाथ में। चलिए आप इसको देखोगे ना गौर से, इस तरह से, तो आपको एक छोटा सा होल दिखेगा, या होल बहुत गौर से देखोगे ना, एक छोटा सा होल दिखेगा, और उस होल होता है, नाम होता है स्टोमाटा, 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 जिसे बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र।
STOMATA स्टोमाटा रंध्र, और रंध्र में ही इस रंध्र के माध्यम से ही गैस जाता है आता है गैस जाता है आता है। और ये रंध्र में गैस का ही काम नहीं, बहुत काम होता है। और वाष्पोत्सर्जन जो वाष्प जो होता है बनकर, पौधा को अगर जल बेसी हो गया, पौधा में भी जल जैसे होता है बेसी हो जाता है, तो उसी के माध्यम से भगवान सूर्य के उसको सोख लेते हैं, वाष्प उनके ऊपर उड़ जाता है, ठीक है। फिर वही चीज वर्षा के रूप में आ जाती है, ठीक है। तो बच्चों एक प्रश्न ये पूछा था, स्टोमाटा किससे घिरा होता है? स्टोमाटा जो होती है पौधा के पत्तों में होता है ना, जिससे गैस आदान प्रदान होता है, तो वो स्टोमाटा किससे घिरी होती है? बच्चों वो होते हैं रक्षी कोशिका। ये प्रश्न 2020 में पूछ लिया था, रक्षी कोशिका इसे बोलते हैं इंग्लिश में गार्ड सेल। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। सेल बात समझ आया आपको? हाँ। बात समझ में, भेद समझिए। पौधा का पत्ता, इस पत्ते में होता है स्टोमाटा, स्टोमाटा कहते हैं रंध्र, उसी रंध्र के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है और वाष्पोत्सर्जन होती है, वाष्प बढ़ के उड़ जाता है, और ये जो स्टोमाटा होती है वो घिरा होता है रंध्र, जिसे रंध्र कोशिका, जिसे बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। चलिए, आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। एक बहुत मजेदार क्वेश्चन पूछा था कि सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? चूहा होता है, उसका दिल सबसे बेसी धड़कता है। जो सबसे छोटा जीव होता है ना, जैसे चूहा, तो उसका दिल बेसी धड़केगा। वैसे ऑप्शन है व्हेल, हाथी बहुत बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। व्हेल हाथी कितना बड़ा बड़ा होता है, आदमी भी थोड़ा ठीक ही होता है। तो सबसे छोटा हो गया चूहा, चूहा का दिल बहुत बेसी बार धड़कता है, बहुत ज्यादा बार। चलिए, क्वेश्चन पूछ लिया कि जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम सोर्स, ऊर्जा का अंतिम सोर्स है बच्चों वो सूर्य होता है। मैंने ये प्रश्न बाद में पहले ही सूर्य में आपको बता दिया, और सूर्य जो होता है बच्चों उसे ऊर्जा का पिता कहते हैं, और सूर्य में होते नाभ के संलयन। क्या होते हैं नाभ के संलयन? ये भी प्रश्न एग्जाम में, और ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया, तिलचट्टा में कितने श्वास जोड़े होते? 10। तिलचट्टा जो कॉकरोच होता है, बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड उसको, ठीक है। तो बच्चों तिलचट्टा जो होता है उसमें 10 जोड़ा श्वास, 10 जोड़ा मतलब 20 को होता है तिलचट्टा। अगर देखोगे तो 10 गो इस साइड से, अब 10 गो इस साइड से, तो 10 10 20 20 मतलब 10 जोड़ा, 10 जोड़ा स्वंत्र श्वास रंध्र होता है, 10 जोड़ा से वो श्वास लेता है। इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है हरे पौधों में, पता होगा हरे पौधे में के द्वारा पौधा अपना भोजन बनाता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। चलिए, प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन कितने नियम होते? 2। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा था, अपवर्तन का परावर्तन का। चलिए, तरंग धड़ को नापते हैं एंगस्ट्रम में, एंगस्ट्रम में क्या होती है? एंगस्ट्रम, याद कर लो कि तरंग धड़ होते हैं, वेवलेंथ होते हैं बच्चों, उसको एंगस्ट्रम में नापते हैं। किसे नापते हैं? एंगस्ट्रम में। चलिए, सबसे भारी धातु होता है यूरेनियम, सबसे भारी होती है यूरेनियम, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। और ये प्रश्न, इथेन के एक अणु में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं? 7। इथेन के एक अणु में ना 7 सह संयोजक बंधक होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान समझिए। सोलर सेल बना होता है सिलिकॉन का, जो आप लोग देखते होंगे चार्ज होते रहता है सूर्य भगवान की सहायता से, हेल्प से। सोलर सेल जो होता है वो सिलिकॉन का बना होता है, किसका बना होता है? सिलिकॉन का। चलिए, अगला प्रश्न बात करते हैं, मेंडल है, मेंडल ने किस चीज पर अपना प्रयोग किया था? मटर के पौधा पे। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा, देखिए पौधों में जनन अंग होते हैं पुष्प, जो पौधा का जनन अंग होता है ना वो पुष्प, जनन अंग मतलब जहां से बच्चा पैदा होता है वो जनन अंग होता है, तो पुष्प में, ठीक है। चलिए, और आप पौधा का बात करें तो पौधा का जो पुरुष अंग होता है वो पुंकेसर, पुंकेसर। स्त्री अंग स्त्री केसर, स्त्री केसर, ठीक है। पू से पुंकेसर, पू से पुरुष अंग, याद करें ट्रिक, पौ से पुंकेसर, पौ से पुरुष अंग, स्त्री केसर, स्त्री मतलब महिला, महिला अंग स्त्री केसर। चलिए, विवांतर कैसे मतलब होता है? वोल्ट। कितना दिन बताए हैं? विवांतर कैसे मतलब? वोल्ट होता है। ओम का प्रतिरोध का ओम, अब प्रतिरोधकता का ओम मीटर, प्रतिरोध का ओम, अब प्रतिरोधकता का ओम मीटर, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है बच्चों। चलिए, किसे रासायनिक दूध कहते हैं? रासायनिक दूध कहते हैं हार्मोन को, हार्मोन को ही हम लोग रासायनिक दूध कहते हैं बच्चों। ये नया प्रश्न पूछा गया था, इस बार नया प्रश्न था, द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, बहुत बार चार्ल्स डार्विन ने लिखा है द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, और एक है नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक सिद्धांत, ये भी पूछे तो चार्ल्स डार्विन, ओरिजिन ऑफ स्पेसिस और प्राकृतिक सिद्धांत,
नेचुरल सिलेक्शन जो है वो भी आपको चार्ल्स डार्विन ने दिया है। चलिए, किसकी चाल, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में? निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना मीटर एक सेकेंड में, इतना मीटर एक सेकेंड में ट्रांसफर करती है लाइट। वैक्यूम, जो वैक्यूम होते हैं बच्चों, वैक्यूम उसमें प्रकाश की चाल मैक्सिमम होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में इतना मीटर। चलिए, ये भी प्रश्न ध्यान रखना, आगे आपको हम बात करते हैं बच्चों। और कौन क्वेश्चन है, बच गया। और प्राकृतिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक डीसी है, क्या होती है? एक डीसी है, पता होगा आप लोगों को। देखिए, जैसे कि बताते हैं एग्जांपल, जैसे मेंढक को देखा होगा, मेंढक खाता है क्या? कीड़ा मकोड़ा। फिर मेंढक को खाता है सांप, सांप को चील, तो देख लो एक दिशा से। ऐसा थोड़ी है कि चील को खा लेगा कौन? सांप, सांप को मेंढक, और मेंढक को कीड़ा मकोड़ा, ऐसा नहीं है। कीड़ा मकोड़ा को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को चील, चील को फिर दूसरा कोई। ये एक दिशीय है, एक दिशीय, ठीक है। चलिए, ओजोन पद पे आ जाता है बच्चों। ओजोन पद वायुमंडल के निचली सतह में, ठीक है, वायुमंडल के निचली सतह में, और ओजोन परत वायुमंडल के निचली सतह में पाई जाती है, ठीक है। और ओजोन परत को खत्म करती है सीएफसी, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, सीएफसी बोले तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन। चलिए, ये प्रश्न हो गया, आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों। चलिए, ये कुछ प्रश्न थे, आपको दिमाग में रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों। मैं कोशिश किया हूँ कि कम से कम समय में, 21 मिनट का लगभग वीडियो है, तो उसमें आपको मैक्सिमम ज्ञान मिल सके। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, खूब पढ़े, खूब बढ़े, भारत माता की जय।